कुरान मजीद जो है ना, ये एक जिंदा किताब है। जिस बंदे ने कुरान मजीद को जिस मकसद के लिए पढ़ाना है उसको वो चीज हासिल हुई है। ये अलग बात है कि हम कुरान मजीद को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो ऑनर नहीं देते कि हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियां, तो हम वाकई किसी दिन स्पेसिफिकली कुरान को खोलें और वाकई इस नीयत से पढ़ें कि मैं अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहता हूँ। मेरी बीमारियां हों, बहुत से मसाइल हों, कुरान मुझे क्यों नहीं हल बता सकता। एक पर्सनल कनेक्शन अल्लाह से कैसे फील हो कि मुझे लगे कि मैंने यहाँ से बात की है और अल्लाह ने मुझे डायरेक्टली जवाब दिए मेरी इस सिचुएशन के बारे में। सहाबा को पता चल जाता था ना कि अल्लाह के रसूल बताते हैं कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल की। हम वो कैसे फील करें? आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें। मुगिरा भाई, एक आम इंसान जब भी किसी से कम्युनिकेशन करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको रिस्पांस मिले और रिस्पांस जल्दी मिल जाए। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम जो थे उनके ऊपर परेशानियाँ आती थी, तकलीफ़ें आती थी और वो अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआएं करते थे कि उनकी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और उनको उन चीज़ों का जवाब भी मिल जाता था और इनके दुआएं भी कबूल होती थी वही के ज़रिए। लेकिन आजकल के दौर में जब एक इंसान परेशान है, परेशान हाल है, मुश्किल के अंदर है और वो उसकी दुआएँ भी करता है, लेकिन कभी कभी वो इस चीज़ की कमी फील करता है, उसके अंदर एक कमी का एहसास है कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मुगिरा भी, सवाल ये कि वो जो एहसास है कि इंसान के अंदर वो एहसास और वो एक मुतमईन हो जाए इस चीज़ से कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से उसको एहसास भी आ गया है कि उसकी दुआ कबूल हो गई है, तो ये एहसास कैसे एक इंसान अपने अंदर पा सकता? देखिए रबीउल्लाह भाई, मुझे आपके सवाल से एक वाकया याद आ गया। मैं यूएई में था तो एक दिन मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया, तो नमाज में सुन्नतें अदा करने के बाद मैंने कुरान मजीद को पकड़ा और बैठने लगा, तो अचानक मुझे ना कुछ सिसकियों की आवाज़ आई एक तरफ से, तो मैंने बाईं तरफ मुड़ के देखा तो अगली सफ में बाईं तरफ बिल्कुल दीवार के साथ एक सीरियन लड़का वो बैठा हुआ था, उसके हाथ में कुरान था, वो कुरान मजीद खोल के पढ़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू, यानी वो रो रहा था और ऐसा रो रहा था कि बाकायदा उसकी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। और आपको पता है कि शाम जो है सीरिया एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे अक्सर जो लोग हैं उनकी कम्प्लेक्शन वाइट होती है, तो रोने की वजह से ना उसका चेहरा सुर्ख हुआ था, बिल्कुल रेड, और सिसकियाँ इतनी ऊँची थी कि बाकायदा आसपास के जो लोग थे वो बाकायदा, यानी वो नोट कर रहे थे और वो थोड़ा सा बार बार देखते थे मुड़ के। अच्छा, जब मैंने उस भाई को देखा ना तो मुझे बड़ी मोहब्बत फील हुई उससे, एक ईमानी मोहब्बत और एक कैफियत थी, मेरा दिल चाहा कि मैं उससे उठूं और उसको जाके गले लगाऊं। लेकिन उस वक्त फिर मैं रुक गया और इस वजह से रुका कि ये कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो इंसान के अपने अल्लाह के दरमियान होते हैं, प्राइवेट लम्हात होते हैं और उसमें इंसान को किसी दूसरे को नहीं चाहिए कि वो उसमें इंटरवीन करे, तो मैं रुक गया और मैंने कहा कि शायद चलें जैसा है ऐसा ही होने दें, और मैं थोड़ा सा मुतासर भी हुआ, रश्क भी किया कि किस तरीके से, 7 साल लड़का था, यानी कोई आप समझो कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा दाढ़ी भी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग आउटफिट या लुक भी नहीं थी उसकी। तो उसके बाद जब मैंने ये देख लिया और मैंने कहा चले मैं अपनी कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कुरान मजीद खोला तो अजीब बात और बड़े हैरान कन बात यह है कि जो सबसे पहली आयत मेरी नज़र में, मेरे से नज़र के सामने आई, हालांकि मैंने रैंडमली खोला कोई स्पेसिफिकली किसी, सबसे पहले जो आयत मेरे सामने आई, सुबहानअल्लाह, मैं हैरान हो गया वो पढ़ के, वो 7th chapter की पहली आयत थी। और वो आयत क्या थी? وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہ پڑی, وہ رو رہے ہیں, یعنی قرآن سننے سے ان کے دل डर जाते हैं, नरम होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। किस वजह से? मिम्मा आरफू मिन अल हक, कि जो हक उन्होंने अपने रब की तरफ से जो अल्लाह ने भेजा उसको पहचान लिया। सुभान अल्लाह, यानी ये वो ऐसी कैफियत थी कि ऑन द स्पॉट मुझे जैसे लगा कि अल्लाह ताला ने ये आयत जो है, मैंने यानी ये इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। देखिए हम लोग जो है ना, वी आर नॉट द पीपल हु बिलीव इन द कोइंसिडेंसेस, वी बिलीव कि हर चीज़, हर एक्शन, हर प्रैक्टिस जो दुनिया में हो रही है उसके पीछे अल्लाह की हिकमत कार फरमाए। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसके साथ ये आयत शेयर करूँ, मैं कहूँ कि मुझे ये आयत मैंने सुनी है और मुझे एक किस्म का अल्लाह ने, क्योंकि मैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन ना, कि यार क्यों रो रहा है और
पता नहीं क्या फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कुरान मजीद जो है ना, ये एक ज़िंदा किताब है। और यकीन करें, ये तजर्बा करके देख लें कि जिस बंदे ने कुरान मजीद को जिस मकसद के लिए पढ़ाना है, उसको वो चीज़ हासिल हुई है। ये अलग बात है कि हम कुरान मजीद को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो ऑनर नहीं देते कि हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, तो हम वाकई किसी दिन स्पेसिफिकली कुरान को खोलें और उसको पढ़ें, और वाकई इस नीयत से पढ़ें कि मैं अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहता हूँ। यानी मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल जो है वो वहशत है, उसमें मुझे इत्मीनान की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है मैं कुरान पढ़ूँ और मुझे ये आयत नज़र ना आए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब। मेरी बीमारियाँ हों, बहुत से मसाइल हों, कुरान मुझे क्यों नहीं हल बता सकता? ज़िंदा किताब है। और मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों ने ये तजर्बात किए हैं ना, कुरान से पर्सनल, देखिए आपका सवाल भी यही है ना कि जनरल तो दीन से हमें जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन एक पर्सनल कनेक्शन अल्लाह से कैसे फील हो, कनेक्शन जो फील हो कि मुझे लगे कि मैंने यहाँ से बात की है और अल्लाह ने मुझे डायरेक्टली जवाब दिए मेरी इस सिचुएशन के बारे में। सहाबा को तो पता चल जाता था ना कि अल्लाह के रसूल बताते हैं तुम्हारे बारे में अल्लाह ने यह आयत नाजिल की। हम वो कैसे फील करें? आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि मेरा रब मुझे जवाब दे रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने देखा कि जितने भी हमारे असलाफ हैं, जब अपनी मुश्किलात में पड़े और उन्होंने जब कुरान मजीद की तरफ रुख किया, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक मिसाल है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की, जब वो अपने आखिरी दौर में थे, जेल में भेज दिया गया उनको, तो कहते हैं कि मैंने फिर, मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने कुरान मजीद की तरफ जो है वो रुजू किया और मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। कहते हैं जैसे जैसे मैं कुरान मजीद पढ़ता जा रहा, मुझे, हालांकि वो इमाम है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर लगा दी, पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत इतनी की कि उसको शेखुल इस्लाम का टाइटल मिला। तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उलमा ने शेखुल इस्लाम का हो, अपने दौर के लोग और बाद के बड़े बड़े उलमा ने शेखुल इस्लाम का हो, उसमें इमाम इब्न तैमिया। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि मैंने, मुझे नदामत, नदिम तो वल्लाह, ये उनके अल्फाज हैं, कि मुझे नदामत हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया कर दिया और मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ सका। इसी तरीके से शेख अबू इसहाक़ अल-हुमैनी, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इस टाइम मुहद्दिस हैं, मैं समझता हूँ अरब दुनिया के बड़े तरीन, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि बड़े आलिम दीन हदीस के कोई हैं, तो मैं अबू इसहाक़ अल-हुमैनी को मैं रिकमेंड करूँगा। और भी बड़े उलमा हैं डेफिनेटली, उनको कुछ देर के लिए रोक दिया गया लेक्चर से और लोगों से खुतबात जो वो देते थे। तो उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, और ये उनका जुमला था, जब वो वापस आए और उनके लिए दोबारा वो बैन रिमूव किया गया और उनको इजाज़त मिली कि अब वो पब्लिक से बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि, ये उनका जुमला बाकायदा है, या लैतनी आतीतुल कुरान हयाती, हाय काश मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे दी। और कहते हैं कि मैंने अपनी इस जो वक्त में ना कुरान पढ़ा, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा, हालाँकि पूरी ज़िंदगी हदीस की खिदमत, हदीस कोई छोटी चीज़ है सुभान, लेकिन जो कुरान है ना, वो पर्सनल कनेक्शन बंदे को तब, और मैं बताऊँ, ये कनेक्शन बंदे को ख़ास तौर पे तब फील होता है जब बंदा मुश्किल में होता है, जब बंदे को ज़रूरत होती है, उस वक्त जब कुरान राहत देता है ना, और कुरान इंसान से कम्युनिकेट करता है, तो उस वक्त इंसान को फिर ये जज्बा बेदार होता है कि काश मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे देता।